डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने गुरुवार को कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में फंस गए हैं और उन पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। कई अमेरिकी सांसद चाहते हैं कि ट्रंप को भड़काऊ भाषण के जरिए हिंसा भड़काने के जुर्म में जेल भेजा जाए। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार 200 से ज्यादा सीनेटर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाकर 20 जनवरी से पहले उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। इसके अलावा सीनेटर ये भी चाहते हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते ही भड़काऊ बयान के लिए जरिए हिंसा भड़काने की जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए। संसद में हिंसा और प्रदर्शनों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है और उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा भी की है। उन्होंने कहा है कि हिंसा करने वाले देश को प्रेजेंट नहीं करते और हिंसा करने वालों ने लोकतंत्र पर थप्पा लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए ये बात कही। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सभी अमेरिकियों की तरह मैं भी हिंसा, अराजकता और हाथापाई से नाराज हूँ। मैंने इमारत को सुरक्षित करने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए तुरंत नेशनल गार्ड और पुलिस फोर्स को तैनात किया। अमेरिका हमेशा कानून व्यवस्था का देश होना चाहिए।